वो यहीं रहेगा। जबकि मैं मानता हूँ कि डीसी साहब के हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो डीसी साहब के हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें जो डीसी साहब से तो हमारी सिर्फ इतनी ही भाई जो जो ऐसे वो जोनल लेवल के जो प्रोग्राम के जो काम रुके हुए हैं उनको पूरा करना, ना तो स्थायी करने उनके हाथ में है, ना हमारी पेमेंट इनके हाथ में है, और ना ही हमारा जो बकाया है वो हाथ में है। तो डीसी साहब क्या बोल रहे थे, कोई संदेश नहीं भेजा? हम जिस तरीके से अभी नारेबाजी कर रहे थे, अपना दुबड़ा रोड़े नारेबाजी तो हम क्या रोएंगे, तो नारेबाजी तो क्या लगाएंगे, पर हाँ ये है कि हम अपना दुबड़ा रोड़े थे मगर किसी को दर्द नहीं होता। राजकुमार जी क्या कारण रहा जो आप बिना कपड़े हो गए और पूरे करोलबाग जोन में आपने घुमा बिना कपड़ों के, क्या इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर इससे मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो तन पे ढकने के हैं, अगर हमारे पेट से रोटी छीन रहे हो, हमारे बच्चों की भूख प्यास से आपको शांति मिलती है, और हमारी जो हमारे बच्चे जो स्कूल बैठे हैं जो परेशान हो रहे हैं पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं, तो ये कपड़े भी ले लो। अगर इससे भी प्रशासन का निगम प्रशासन का पेट भरता है तो ये कपड़े भी ले लो, हमारा संदेश। मेरा कहना यही है जिस तरीके से निगम प्रशासन हमारा परेशान करता है हमारे को, आज ये सभी कर्मचारी किसी मुद्दे के यहाँ पे आए, मुद्दे के यहाँ पर आए हैं लेकिन डीसी साहब
मंत्री कठोरता दिखा रहे हैं कि एक बार भी कर्मचारियों के हित में बात आकर ये नहीं बता रहे कि भी जो भी समस्या इस तरीके से समस्या होगी तो इनका हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और सभी कर्मचारियों को मैंने, मेरा पहले भी ऐलान था, जब तक हमारा वेतन पूरा नहीं मिलेगा जब तक हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी और इसको और तेज उसमें बढ़ा देंगे। क्या कोई टाइम दिया था आपको यहाँ मिलने का आज, या आप लोगों ने कोई मैसेज किया था कि हम आज मिलना चाह रहे हैं? आज हमारे को इतना दी गई थी मोदी डलना की बात है, उसके उपरांत भी डीसी साहब ने हमारी ऐसी कोई बुझ नहीं की है, तो इससे आपको लगी रहा है निगम प्रशासन क्या चाह रहा है। लेकिन सर हमें सुनने में आया कि आज आपकी सैलरी आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से, जो ये सैलरी दे रहे हैं वो कर्मचारियों ने अपना मेहनत कर रखी है, उस मेहनत का फल ले रहे हैं वो। अब जो एक सैलरी दे रहे हैं तो निगम प्रशासन हमारा कोई हमारे पे एहसान नहीं कर रहा, वो हमारी मेहनत दे रहा और हमारी मेहनत को रोक भी रहा। अगर इतनी तनख्वाह देनी है तो हमारी जो दो तीन तनख्वाह वो सारी एक बार क्यों नहीं देता? हम कल ही अपना काम करने में तैयारी हो जाएगी हमारी, लेकिन निगम प्रशासन नहीं चाहता, ये हमारा पूरा शोषण चाहता है, उसमें शासन प्रशासन सब मिला हुआ है और ये पूरा हमारा शोषण करने के लिए तैयार रहता है। क्या आप लोगों को जो एक महीने की सैलरी मिली उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी कोई संतुष्टि नहीं है, जब तक हमारी पूरी सैलरी नहीं आएगी कोई संतुष्टि नहीं है इस आंदोलन को। और कितने दिन की आप जा रहे, कितने दिन की आपकी सैलरी रुकी है? तीन महीने की पक्कों की सैलरी है, चार महीने की बच्चों की है, वो सैलरी दे दी जाए, ये कर्मचारी सारा अपने काम पे आने के लिए। और एक हमारे अखिल भारतीय श्रमिक संघ हमारे म्युनिसिपल सफाई कामगार के साथ जुड़ चुकी है, इन्होंने भी अपना लेटर दे दिया और ये आंदोलन और रूपरेखा आगे बढ़ेगी, इसका कोई नहीं बता होगा दिल्ली शहर के अंदर अब क्या होगा।